असला एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू वीडियो बहुत ही कमाल वीडियो होने वाली है आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट मैं आपके साथ लेके आई हूँ शेयर करने के लिए हाँ जी जैसे कि आपको थंबनेल से भी अंदाजा हो चुका है कि मैं गोल्डन क्लिनजर के बारे में बात करूंगी पैकेजिंग इज आउट क्लास प्राइस के हिसाब से भी रीजनेबल प्राइस है इसकी हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है स्किन टाइप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी की कौन कौन से लोग इसको यूज कर सकते हैं अच्छा जी प्लास्टिक इसके लिए जो यूज किया गया काफी मजबूत है आप देख सकते हो और इस तरह से आपको पंप फॉर्म में जो है ये मिलेगा तो आप आसानी के साथ जितना आपका दिल करेगा बस उतना प्रोडक्ट आप इसके साथ निकाल सकते हो कंसिस्टेंसी में आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से है और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये मेकअप वगैरह डस्ट वगैरह जो भी आपके फेस पे होती है उसको अच्छे से रिमूव कर देगा एक्सेस ऑयल जो होता है उसको भी रिमूव कर देगा आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह से थी अच्छा यहाँ पे मैं सारा मेकअप उठा के ले आई हूँ जो भी जब यूज होता है तो हम जो है हाथ पे डस्टिंग करेंगे ऑब्वियसली मैं फेस नहीं दिखा रही आपको अपना तो हाथ पे सारी डस्टिंग करेंगे बारी बारी हर चीज आपके सामने लगाऊंगी अच्छा जी यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज कर दी है और यहाँ पे मैं सारा जो है मेकअप लगा रही हूँ बारी बारी पहले मैंने स्टोस की जो है बीबी -बी क्रीम लगाई है देन मतलब इस तरह लाइनर वगैरह लगा रही हूँ लिपस्टिक्स लगाई है लिप ग्लोव लगाए हैं जो भी मतलब लॉन्ग लास्टिंग वगैरह है सारी चीजें मस्कारा लगाया बॉब का मस्कारा था इसी तरह लाइनर वगैरह है मस्कारा लगा दिया मैंने और ब्लश मैं लगाऊंगी ब्लश भी डिफरेंट टाइप्स के मैंने लगाए हैं स्टार्टिंग में भी ब्लश लगाया था फिर आगे यहाँ पे पर्टनस ब्यूटी का भी मैंने रखा हुआ है और दूसरा जो है कलर इंस्टीट्यूट का भी रखा हुआ है यानी पाउडर ब्रश ब्लश भी रखा हुआ है तो इस तरह से सारी चीज़ें मैं लगाऊंगी देन मिस रोज़ की जो एयर ब्रश फाउंडेशन है वो लगाऊंगी इसके बाद मैंने इसके ऊपर सेटिंग स्प्रे भी की थी ताकि ये अच्छे से, से सेट हो जाए अब बारी आती है टेस्टिंग की यहाँ पर जो है मैं आपको कंसिस्टेंसी पहले दिखा देती हूँ इसकी कि किस तरह से है बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी है और इसको हर स्किन टाइप का पर्सन यूज़ कर सकता है इवन ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं और ऑयली स्किन वालों को तो बाद में मॉइस्चराइजर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इवन कम्बिनेशन स्किन वालों को भी बाद में मॉइस्चराइजर uh, की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ ड्राई स्किन वालों को पड़ेगी क्योंकि उनकी एक्स्ट्रा किस्म की मतलब ड्राई स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे अगेन मैंने स्पीड तेज़ कर दिया लेकिन स्किप मैं नहीं करूँगी ताकि आपको डाउट ना रहे कि मैं मतलब कुछ भी फेक किया तो यहाँ पे अच्छे से जो है क्लिनजिंग करेंगे हाथों की और मैं आपको अब आप रिमूव करके दिखाती हूँ अच्छा यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें रिमूव नहीं हुई थी जिन पे आप जो है वैसे भी देख सकते हो अगर आपको लेनी हो लॉन्ग लास्टिंग लिप लिप्लोज हैं ग्लैमरस के ये बहुत अच्छे हैं खा पी भी लो आप तो नहीं उतरते और क्लाजोना का जो लिप ग्लोज है वो भी बहुत अच्छा है यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हो तो मेकअप के हवाले से भी यही अच्छी चीज़ होगी और क्लेंजर मैंने भी थोड़ा सा इसको नहीं किया तो हम एक दफ़ा डबल क्लेंजिंग जिसको बोलते हैं वो कर लेते हैं तो उसके बाद ये भी रिमूव हो जाएगा बाकी आप देख सकते हो किस तरह से इसने अच्छे से एक एक चीज़ रिमूव कर दी है और यहाँ पे आप स्पंज की हालत देख सकते हो किस तरह से है एक दफ़ा दोबारा यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ और यहाँ पर जो है दोबारा स्पीड मैंने तेज कर दी थी वीडियो की और इसके बाद जो है हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा एज़ यू सी जी यहाँ पे जो आपको दो तीन वो जो डॉट्स वगैरह से नजर आ रहे हैं वो मेरे आ, कल ही मैंने वो की थी वैक्सिंग तो उससे कट वग़ैरह लगे थे स्किन पे तो वो हैं बाकी आप डर्ट वग़ैरह जो है स्पंज पे चेक कर सकते हो ये वाले डॉट्स की बारे में बात करी थी ये मतलब मेकअप वगैरह नहीं है मेरी तरफ़ से अप्रूव्ड है और हाईली रिकमेंडेड रेटिंग की बात करें तो आई विल रेट टेन ऑन टेन रिजल्ट अब वैसे भी आपको मैं दिखा चुकी हूँ तो फैसला आपका है और इसके यूज़ करने के बाद भी मुझे मतलब कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हुआ था फेस पे कोई पिंपल्स वगैरह या इस तरह का कोई भी चीज़ मतलब मुझे जो है वो देखने को नहीं मिली मेरी तरफ से तो खैर हाईली रिकमेंडेड है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी प्रोडक्ट पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़